हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। मैं आपका रीजनिंग मेंटोर हिमांशु उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 और क्लरिकल की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, लॉकडाउन ख़त्म होने का और वैकेंसीज के आने का। तो हमारा वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी आई हैं। थोड़ा सा पेपर डिले कर दिया गया है सितंबर अक्टूबर में, बाकी इतना कोई डिफरेंस आपके सामने नहीं है। अगर मैं ऑफिसर स्केल की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो ऑफिसर स्केल में आई हैं, दैट इज़ 3800, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आपको अगर देखना है कि मुझे किस स्टेट से फॉर्म भरना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम करें। हिंदी स्टेट्स जितने भी हैं आप वहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। दो तीन जो हमारे हिंदी स्टेट्स हैं, जैसे MP हो गया, UP हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ से आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना स्टेट प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इन सब बातों के बारे में बहुत लोगों का डिस्कशन ऑलरेडी आपके पास आ चुका होगा, आप देख चुके होंगे वीडियोस। हम अपना बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं, हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अगर मैं अब बात करूँ तो जैसे हमने बात करी अपनी ऑफिसर स्केल की, वैसे ही क्लरिकल की भी वैकेंसीज जो आई हैं, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 4682। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये आई हैं आपके पास ऑफिस असिस्टेंट्स के अंदर। ठीक है, देखिए हमें किस तरीके से कार्यक्रम स्टार्ट करना है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमारे मैथ्स के सर ने ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर रीजनिंग की क्लास कब स्टार्ट होगी, और बेसिकली आपको पता है कि RRB के पेपर के अंदर आपके पास केवल ये दो ही सब्जेक्ट आने वाले हैं, दैट इज़ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो हम केवल इन दो सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर। और अगर आपको पता हो तो यहाँ पे हमारे पास में मैथ्स के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इट मींस आपका जो टास्क होगा, दैट इज टाइम ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 80। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे 80। 60 मिनट आपके पास पूरे नहीं होंगे, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, आपके 60 मिनट नहीं है यहाँ पे, आपके जो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स हैं दैट इज 45। 45 मिनट का पेपर होने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास में IBPS का पेपर नहीं है, RRB का है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 80 और टाइम होगा 45 मिनट्स। डिवाइड आपको करना है कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, उस सेक्शन में कम टाइम दें, जो सेक्शन आपको थोड़ा टिपिकल लगता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लें, ताकि हम दोनों को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर आते हैं, दैट इज़ रीजनिंग। बहुत टाइम बाद हम फिर से रीजनिंग के अंदर आए हैं। बहुत सारे लोगों की रीजनिंग अच्छी भी होती है, आई नो डैट, तो उन्हें अपनी स्पीड पे काम करना है, और जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए हम हैं, यहाँ बैठे हैं आपके साथ में। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, देखेंगे भी। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अगर आपको पेपर की तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं या अच्छी बुक्स चाहिए, तो दो तीन बुक काफ़ी अच्छी है। एक आप MK पांडे ले सकते हैं, अच्छी किताब है एक। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पेपर के लिए पता है तो आपको सबको पता ही होगा कि किरण के पेपर्स अच्छे आते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। MK पांडे, RS अग्रवाल भी आप ले सकते हैं। तो अगर किसी को बुक्स प्रेफर करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इनके PDF भी अवेलेबल हैं पेड फॉर्म में, अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, RS अग्रवाल, तो ये दो तीन किताबें हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियोज़ बहुत अवेलेबल हैं, हमारा जो सिलेबस चलेगा यहाँ पर हम कम्प्लीट करेंगे अपना मैथमेटिक्स भी, रीजनिंग भी, और इस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस, हर पैटर्न के क्वेश्चन हम यहाँ देख सकें और हर तरह के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से सभी लोग प्रिपेयर हैं तैयारी के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रीजनिंग के सिलेबस का, कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। देखो, बेसिकली जो भी आपका प्रीलिम्स होगा यहाँ पे, रीजनिंग सिलेबस जो भी आपके पास होगा ऑफिसर स्किल के लिए, हम केवल प्री की डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्री के अंदर केवल वो आपकी स्पीड मेजर करता है, वो केवल ये देखता है कि आपकी स्पीड कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपके कंसेप्ट्स इतने नहीं चेक करेगा, बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन देगा लेकिन स्पीड चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक भी ऐसे ही होंगे जो स्पीड में खेलने के लिए होते हैं। जैसे मैंने आपको पूरा आपके सामने एक चार्ट की फॉर्म में प्रिपेयर कर दिया है,
केवल यही बेसिक टॉपिक हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पूरे की पूरे रीजनिंग के अंदर, ये तो अब सबको रट गया होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सबसे इम्पॉर्टेंट है, और डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20, 15 से 20 का मतलब हो गया कि आपको टोटल नंबर ऑफ 3 और 4 क्वेश्चन सेट मिलेंगे, या तो 3 सेट मिलेंगे या 4 सेट मिलेंगे। कुछ सेट में 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ में 4 मिल सकते हैं, और कुछ में 3 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 सेट हमें दिखाई देंगे, हमें उनमें से चूज करना है कौन सा हम कर पा रहे हैं कौन सा हम नहीं कर पा रहे, वो डिपेंड करता है कि हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस किसको देते हैं। यही खेल है पूरा, आपके जितने भी पेपर है बैंकिंग के उसके अंदर खेल सिर्फ इतना है कि किस टाइम पे आप कौन सा क्वेश्चन पिक करते हो। अगर आपने टाइमिंग के अंदर गलत क्वेश्चन पिक कर लिया मतलब आपका पेपर गया, तो हमें सिर्फ इतना सीखना है कि किस समय हमें कौन सा क्वेश्चन उठाना है और कौन सा छोड़ना है। इसके अंदर कुछ छोड़ने जैसा नहीं आता, आरआरबी प्री के अंदर कुछ छोड़ने जैसा नहीं आता। आपको यही लगेगा कि मेरे को थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं पूरा पेपर कर देता। ठीक है, सिलॉजिज्म, बहुत तरह की कैटेगरीज आ चुकी हैं अब, रिवर्स के अलावा बहुत तरह की कैटेगरीज आ चुकी हैं, कंक्लूजन बेस, स्टेटमेंट बेस, ठीक है, और बहुत टाइप्स भी आ चुके हैं, इफ एल्स वाले, ये सब आ चुके हैं। तो इन सब का डिस्कशन हम सिलॉजिज्म के अंदर करेंगे। सिलॉक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिन बच्चों को नहीं पता सिलॉक्स के बारे में उनको मैं बेसिक से भी बताऊंगा। ठीक है, तो किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पेपर में टाइम बाकी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर हम मान के चलते हैं कि सिलॉक्स का वो सेट बनाएगा, सेट बनाएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 देगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेसिक है और ये प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें चाइनीज कोड उसका बहुत फेवरेट है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 5 आ सकते हैं, मैं जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म होंगे आपको सब बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो वेरिएशन कहाँ करेगा मैं समझा देता हूँ। देखो, इनइक्वालिटी का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत कम टाइम खाता है आपका। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 डेफिनेटली, लेकिन ये ध्यान रखना यदि वो अगर आपको सिलॉजिज्म में खेलता है तो वो इनइक्वालिटी में नहीं खेलेगा, और यदि इनइक्वालिटी देता है तो सिलॉजिज्म में नहीं खेलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि किसी सेट में यदि सिलॉक्स आ रहा है तो सेट में इनइक्वालिटी नहीं आएगा, और किसी में यदि इनइक्वालिटी आ रहा है तो वहां सिलॉजिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला ब्लड रिलेशन की यदि हम बात करें तो ब्लड रिलेशन का सिंगल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, एक पजल फॉर्म भी देखने को मिल सकती है ब्लड रिलेशन की, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप ऑफ कैटेगरी का भी डिस्कशन करेंगे। ये सारे वो टॉपिक है जो आपको देखने को मिलेंगे ही 101%। अगले अगर मैं बात करूं आपके पास तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है जिस सेट में, जरूरी नहीं 5, आपके पास में 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर सिंगल क्वेश्चन आता है तो वर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, और यदि सीरीज बेस आते हैं तो लेटर नंबर सिंबल ये मिक्सचर आता है पूरा, इसका एक मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तो आपको वहाँ सब समझ में आ जाएगा। तो अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल इस फॉर्म में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो या तो 3 नंबर का आ सकता है या 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन सिंगल फॉर्म में कम ही पूछेगा, पजल फॉर्म में ही पूछेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पजल फॉर्म में आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेट सी बात है वो पूछेगा ही पूछेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन के साथ खेलना सीखेंगे कि डायरेक्शन को किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगी बात, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हम कई बार कर चुके हैं, केवल मैं एक इंट्रो आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, केवल इसी चीज़ के लिए ये आपके सामने रिप्रेजेंट करा हुआ है। बाकी जैसे जैसे हम ये टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती जाएंगी, और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर लगाना, जो कि हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो मैं आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में यहाँ बता दूँ कि ऑर्डर एंड रैंकिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन वो अच्छी फॉर्म में आजकल देने लगे हैं। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर रैंकिंग फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे वो पजल फॉर्म में आएगा, आपके पास में सिंगल फॉर्म में नहीं आएगा। आपने देखा होगा बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग का आता है वो अनसर्टेन पजल आती है, एक अनसर्टेन पजल के अंदर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं पता होते। ठीक है, और उसके अंदर आपको अरेंज करने होते हैं ऑर्डर रैंकिंग, एक ये कैटेगरी होती है।
दूसरी कैटेगरी एक ये आती है आपके पास जिसमें वो बोलता है टॉलेस्ट या लॉन्गेस्ट या हैवीएस्ट, ठीक है, जो सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा है या सबसे भारी है। तो ये भी ऑर्डर रैंकिंग हो गई लोगों को अरेंज करने की। तो यहाँ पे भी आपके पास देखो हाइट और वेट और एज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, एक या दो नंबर के, डेफिनेटली इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे टोटल नंबर ऑफ 40 क्वेश्चंस, जो कि आपके ऊपर है। अगर आप रीजनिंग को इजी मानते हैं तो आप 20 मिनट में रीजनिंग खत्म करने की कोशिश करेंगे, और यदि आपके लिए थोड़ी टिपिकल है तो आप उसको 25 मिनट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी सेक्शन आपका स्ट्रांग है उसको आप जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे विद एक्यूरेसी, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी खत्म करने के चक्कर में हम एक्यूरेसी भूल जाएं, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। चाहे क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएं, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी ऑफिसर स्केल्स की, क्लरिकल में भी यही रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्लरिकल के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके उनका लेवल ऑफिसर से थोड़ा सा कम होगा रीजनिंग के अंदर, ठीक है। टॉपिक सारे वही हैं, सिलोजिज्म है, इनइक्वलिटी है, अल्फा न्यूमरिक अल्फाबेट सीरीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है और मिसलेनियस, सब चीज़ें वही हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। ये मैंने केवल आपको दिखाने को बताया है आरआरबी के दोनों पेपर्स के अंदर, ऑफिस असिस्टेंट के अंदर, चाहे आप बात कर लो स्केल ऑफिसर स्केल के अंदर, दोनों के अंदर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो 40-40 ही आते हैं। प्रीलिम्स के टॉपिक्स कॉमन रहते हैं, बस उनका जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से आपको किरण के पेपर डाउनलोड कर लेने चाहिए, किताब मत खरीदना, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो हम ऑनलाइन जितना ज़्यादा खेलें या स्क्रीन पर जितना ज़्यादा हैवी चलो उतना अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, आरआरबी के जितने भी पेपर हमारे पास में होंगे, आरआरबी के सिलेक्शन में यदि आप अपने स्टेट से फॉर्म डालते हैं, चाहे आप आरआरबी पीओ डालो चाहे आप आरआरबी क्लर्क डालो, अगर आप अपने स्टेट से डालते हो तो आपको होम लोकेशन मिलती है या नियर बाय मिलती है, सबसे अच्छी बात ये होती है आरआरबी की, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपने स्टेट को पहले प्रेफर करना चाहिए, फिर यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रीजनिंग के अंदर हम स्पीड पे फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, आई नो दैट, मुझे ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से कि आप लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छी है। तो मैं आपको रीजनिंग सिखाऊंगा नहीं, हम साथ में मिलके रीजनिंग की स्पीड पे काम करेंगे कि कैसे हम 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस कर सकें। क्योंकि तो अगर मैं रीजनिंग के 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ तो मुझे मैथ्स में अगर मैं 25 मिनट दे रहा हूँ तो मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर मेरा काम अब यही है, आज से लेकर के जब तक ये बैच चलेगा तब तक सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी स्पीड पे फोकस करूंगा, और आपके कमेंट सेक्शंस में जाके ये चेक करूंगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और किस टॉपिक के किस सेक्शन का आपको इंट्रोडक्शन चाहिए, उसका बेसिक आपको सीखना है, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया बैच, तो जितने लोगों से आप इन सब चीज़ों को शेयर कर सकें, उनको बता सकें कि ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है आरआरबी ऑफिसर स्केल के लिए बोल दो चाहे क्लरिकल के लिए बोल दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमसे जुड़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी हाई होगा और उतनी ही एफिशिएंसी के साथ हम भी आपसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके, नोटिफिकेशन बेल दबा के, ठीक है। और जब भी हमारा वीडियो आए या लाइव जाएं तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और क्योंकि हम बिल्कुल घर में फ्री बैठे हैं इस समय, बाहर कम निकल रहे हैं, तो हम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों अपना टाइम देने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। मैं अगेन थैंक यू करता हूँ अपनी तरफ से आप सभी लोगों का,
रीजनिंग मेंटोर आपका थैंक यू करता है, थैंक यू सो मच फ्रॉम सिलेक्शन मेंटोर, एक कदम सफलता की ओर।